हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षित कैसे हैं आप सब आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और कोरोना के समय में सब लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे अनलॉकडाउन प्रतिक्रिया चल रही है तो उसको ज़्यादा मतलब लाइटली मत ले लेना थोड़ा सा सावधानी बनाए रखना क्योंकि बीमार सिर्फ आप नहीं होगे आपका पूरा परिवार को आप बीमार कर दोगे ठीक है तो ये बड़ी टेंशन है कि परिवार बीमार हो जाएगा पूरा तो चलिए आ जाए थर्ड जुलाई जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं हिंदू से एक कंसेप्ट हम डेली करेंगे तो जो बच्चे ये सोच करके आए हैं कि यहाँ पर हिंदू का कोई न्यूज़पेपर डिस्कस होने वाला है या एनालिसिस होने वाला है तो हिंदू अखबार में नहीं पढ़ूंगा एडिटोरियल मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको खुद पढ़ना होता है अगर आप कोई वीडियो देख भी रहे हो एडिटोरियल एनालिसिस की अच्छी बात है आप देखो बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं एडिटोरियल एनालिसिस यूट्यूब पर मैं खुद देखता हूँ काफ़ी अच्छे एनालिसिस आते हैं पर उनको खुद से पढ़ा करो अगर खुद से नहीं पढ़ोगे तो दैट इज़ जस्ट अ वेस्ट ठीक है तो कंसेप्ट वाली सीरीज एक जुलाई से हमने शुरू की है बेसिक इसके पीछे आइडिया क्या है कि एक कोई न्यूज़ पकड़ेंगे हिंदू में से डेली उस न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस नहीं रहेगा देख लेंगे कि न्यूज़ क्या कह रही है फोकस हमारा ये रहेगा कि उस न्यूज़ से हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है कई बार सिर्फ प्री स्पेसिफिक होगी कई बार सिर्फ मेन स्पेसिफिक होगी और कई बार दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो थर्ड जुलाई आज का हिंदू अगर आपने खोला हो थर्ड जुलाई का थर्ड जुलाई के हिंदू के फ्रंट पेज के ऊपर ये फोटो छपी हुई थी ठीक है हेडलाइन क्या थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव्स थर्टी थ्री न्यू फाइटर जेट्स इन डील्स वर्थ थर्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड करोड्स हेडलाइन से ही हमें समझ आ जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोई डील अप्रूव की है मेनली डिफेंस एक्विजीशन हैं ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है इसके अंदर सारी की सारे जो पैसे हैं सिर्फ जेट के लिए नहीं है और चीज़ों के लिए भी पैसे हैं अगर आप देखो अगर यहाँ पर अभी टेबल में इसकी थोड़ी सी अ, जो है बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर कितना पैसा खर्चा जाएगा अब क्या ये एग्जाम में पूछेगा क्या एग्जामिनर कि जुलाई के महीने में डिफेंस काउंसिल ने कितने पैसों की डील अप्रूव की नहीं पूछेगा क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है तो क्या करूँ इसको डिस्कस करके कुछ नहीं होगा भाई फालतू का काम देखो इसको अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि क्या क्या लेने की बात कह रहे हैं कह रहे हैं मेग ट्वेंटी नाइन लेंगे इक्कीस मेग ट्वेंटी नाइन लेंगे इतने में मेरे को क्या करना है कितने का है? कौन पूछने वाला है ओके ये कह रहे हैं कि सुखोई थर्टी लेंगे बारह इतने में क्या करना है पिनाका लेंगे ठीक है उसके अलावा कह रहे हैं कि भैया हम अस्त्रा मिजाइल लेंगे एयर टू एयर मिसाइल होती है ये तो यहाँ से अभी तक मेरे को ये नहीं समझ आया कि इस न्यूज़ में से मेरे लिए पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ठीक है पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए मेन स्पेसिफिक पॉइंट से मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के लिए डिफेंस की जो डील्स हैं वो क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से देखो अगर आप देखो अस्त्रा को हम डेवलप करेंगे सुखोई को हमारा हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो डेवलप करेगा पिनाका भी हमारे डीआरडीओ ने बनाई है तो यहाँ पर से आत्मनिर्भर भारत का पॉइंट आ जाता है किसका पॉइंट आ जाता है आत्मनिर्भर भारत कि अगर हम आप देखें तो मेनली हम इंडीजीनियस चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं मेनली हम किसके ऊपर जा रहे हैं इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स के ऊपर जा रहे हैं डिफेंस के मामले में भी दूसरा अगर हम देखें बात करें रेडीनेस की क्योंकि इंडिया और चाइना आई टू आई खड़े हैं तो क्या कितने हम रेडी हैं वो यहाँ से पता चलता है कि कितनी क्विकली हम अपने आप को रेडी कर सकते हैं तो ये कुछ मेंस की बातें अगर अब हम प्री की बात करें तो प्री में मेरे से मेरे आपको पता होना चाहिए कि भाई मेक ट्वेंटी नाइन क्या है कहाँ से आया कैसे बना क्या इसका बैकग्राउंड है सुकोई थर्टी कहाँ से आया क्यों बना क्या बैकग्राउंड है पिनाका क्या है अस्त्रा क्या है तो ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये आपके आई के लिए इंपॉर्टेंट है ये आपके पी के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर ये आप कोई और अगर जनरल स्टडीज़ का एग्जाम दे रहे हो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आज का हमारा एजेंडा क्या है हम मिग ट्वेंटी नाइन के बारे में पढ़ेंगे पिनाका के बारे में पढ़ेंगे और अस्त्रा के बारे में पढ़ेंगे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मिग ट्वेंटी नाइन या जिसको मिकॉन मिग ट्वेंटी नाइन भी कहा जाता है ठीक है तो ट्विन इंजन जेट फाइटर एयरक्राफ्ट जिसको सोवियत यूनियन ने डिजाइन किया था नाइनटीन में सोवियत यूनियन ने इसको डिजाइन किया था और उस समय का काफ़ी सुपीरियर एयरक्राफ्ट था तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिग ट्वेंटी नाइन अब हम मतलब हमारा इसका ओरिजिन क्या है तो आप कह दोगे रशिया या यूएसएसआर? ठीक है रशिया या यूएसएसआर ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में पूछते हैं कि ये प्लेन हमने कहाँ से लिया है ट्विन इंजन है थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जेट जो फाइटर है आपका ट्विन इंजन है ये देखो बहुत ज़्यादा पिछले साल भी न्यूज़ में था क्योंकि जब हमारे पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद जब एयर स्ट्राइक हमारा हुआ था उसके बाद पाकिस्तानीज़ जो पाकिस्तानी एफ़ फिफ्टीनज हमारे बॉर्डर के ऊपर आ गए थे तो उसके बाद हमारे एक पायलट जो थे हमारे जो पायलट्स थे उन्होंने मिक ट्वेंटी नाइन का इस्तेमाल करके ही एक एफ़ फ़िफ्टीन को भी मार गिराया था तो उस समय भी ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था ठीक है तो मिक ट्वेंटी नाइन सोवियत यूनियन में नाइनटीन एट्टी टू में भर्ती हो गया उसके बाद ये इंडिया में भी आया और इंडिया में इसने बहुत एक लीडिंग रोल प्ले किया कारगिल वॉर के समय ठीक है कारगिल वॉर के समय आईएफ एक तरह से जो सुपीरियर एक्ट कर रहा था पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर उसमें मिग ट्वेंटी नाइन का बहुत ज़्यादा रोल था ये तो है पुराना मिग ट्वेंटी नाइन अब मिग ट्वेंटी नाइन में समय के साथ कुछ अपडेट्स हुए अभी पीछे ही कुछ छः महीने साल पहले ही इसमें कुछ अपडेट्स आए थे काफ़ी अच्छे तो अपडेट्स में क्या था क्या इसमें अपग्रेडेशंस हुई अपग्रेडेशन होने के बाद जो आपका मिक ट्वेंटी नाइन था इट वॉज मेड कैपेबल ऑफ मिड एयर रिफ्यूलिंग ठीक है हवा में होते होते ही जो है रिफ्यूलिंग हो सकती है प्लेन को लैंड कराने की ज़रूरत नहीं है अब अगर आप हवा में ही रिफ्यूलिंग कर सकते हो मिड एयर अगर आप रिफ्यूलिंग कर सकते हो तो उसका फायदा ये होता है कि ये लंबी जर्नीज़ ले सकता है लॉन्ग डिस्टेंसेज तक ट्रैवल कर सकता है ठीक है और मल्टी डायमेंशनल अटैक्स में पार्टिसिपेट कर सकता है उसके अलावा अलावा अगर आप देखो तो जो नया ये मिग ट्वेंटी नाइन है इट कैन टेक ऑफ इन जस्ट फाइव मिनट्स तो अगर कहीं पर हॉस्टाइल सिचुएशन है या कहीं पर जल्दी टेक ऑफ करने की रिक्वायरमेंट है तो ये फटाफट से टेक ऑफ कर लेगा फॉर एग्जाम्पल एफ फिफ्टीस ने हमारे बॉर्डर पर आए जब पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया था हमारी एयर स्ट्राइक्स को तो उसके बाद इमीजिएटली इंडियन मिग ट्वेंटी नाइन्स व इन द एयर तो ये जो ओवरटेक uh, टाइम है ये जो टेक ऑफ टाइम है ये कम करने का मकसद ये है ताकि अगर इंडियन एयर स्पेस में कोई घुसता है तो फटाफट से दे कैन टेक ऑफ एंड काउंटर दैट राइट ये एक इसमें बहुत अच्छा अपग्रेड हुआ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हेल्प करता है उसके अलावा अगर आप इमेज में यहां पर देखो तो इमेज में क्या लिखा है मिड एयर रिफ्यूलिंग के बारे में ही लिखा है कैपेबिलिटी टू टेक ऑफ वर्टिकली ये वर्टिकली भी टेक ऑफ कर सकते हैं एबिलिटी टू लॉन्च लेटेस्ट मिसाइल्स एंड मल्टीडाइमेंशनल अटैक्स ऑल राइट एंड ग्लास कॉकपेट विद मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले स्क्रीन्स तो ये सारे अपडेट्स जो है आपके मिक ट्वेंटी नाइन में आए यहाँ से अगर आपका कोई प्रीलियम्स बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है फॉर्म हो सकता है उसके बाद नेक्स्ट बात की कि हम भैया सू थर्टीज भी लेंगे जो अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूवल किया तो सू थर्टीज़ क्या होते हैं या जिसको आप सुखोई सू थर्टी एम आई कहते हो अब ये बेसिकली है क्या ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट है इसको भी डेवलप किसने किया है इसको डेवलप किया है सुखोई डिजाइन ब्यूरो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तो ये रशिया और इंडिया का ज्वाइंट वेंचर है ठीक है रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नाम यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है कि विच इंडियन कंपनी इज वर्किंग इन द जॉइंट वेंचर फॉर डेवलपिंग सुखोई ओके तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो कंपनी है ऑल राइट तो जो ये आपका सुखोई थर्टी एम के आई है ये बेसिकली सू थर्टी फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड है ओके और ये जो आपका सू थर्टी एम के आई है इट इज इक्विप्ड विद थ्रस्ट वैक्टरिंग कंट्रोल्स एंड कैनॉट काफी हाईली जो टेक्नोलॉजी जो हाई टेक्नोलॉजी है वो इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल की जाती है अब इंडिया ने यह एमओयू साइन किया था रशिया के साथ अक्टूबर दो हजार में सू की मैनुफेक्चरिंग के लिए एंड अल्टीमेटली एक प्रोडक्शन प्लांट लगाया गया था जो एच ए एल के अंडर है जो सू थर्टी की मैनुफेक्चरिंग में रोल प्ले करता है इंडिया में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ये थर्ट ट्वेंटी लिखा हुआ है यहां पर इसको थर्टी कर देना ठीक है और इसके बाद एक स्पेशल स्क्वाड्रन भी बनाया गया था एयरफोर्स का जिसको टू 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 स्क्वाड्रन या टाइगर शॉक्स भी कहा जाता है ठीक है ये आई के थंजावूर एयरबेस में है और ये मेनली जो टाइगर शॉक टाइगर शॉक्स हैं या जो टू 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 स्क्वाड्रन है ये आपके सू थर्टी एम के को फ्लाई करते हैं उसके बाद द फाइटर जेट्स ऑफ द न्यू स्क्वाड्रन कैन नाउ कैरी ब्रामो सुपरसोनिक क्रूज मिजाइल अभी रिसेंटली सू थर्टीज़ के ऊपर जो है ब्रामो सुपरसोनिक क्रूज मिजाइल को भी टेस्ट किया गया था इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी अभी हम देखेंगे उसके बाद इंडिया अचीव्ड इंडिजिनसली ओवरहॉलिंग कैपेसिटी ऑफ सुखाई एमके आई फाइटर जेट द आई एफ रिसीव दोमेस्टिकली ओवर 2018. पहला दो हज़ार अट्ठारह में इंडियन एयरफोर्स को मिला उसके बाद इसकी जो मैक्सिम अनिफ्यूल्ड फ्लाइट रेंज है अगर आप इसको रिफ्यूल नहीं करते हवा में मतलब एक गो में जब ये उवर, जब इसने ऑफ किया उस समय बस इसमें अगर पेट्रोल भरा था तो ये थ्री थाउजेंड किलोमीटर्स तक जाएगा अगर आप इसकी मिड एयर रिफ्यूलिंग करते हो तो ये 8,000 किलोमीटर की रेंज तक जो है फ्लाई कर सकता है विद टू रिफ्यूलिंग्स ठीक है अगर आप इसमें टू रिफ्यूलिंग्स करते हो मिड एयर तो ये 8,000 किलोमीटर तक की रेंज तक जो है जा सकता है ब्राह्मोज इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं तो आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और बी ए पी एल दैट इज़ ब्राह्मो ब्राह्मोज एयरस्पेस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने 2014 में ये एग्रीमेंट साइन किया था कि वो सू थर्टी एम के आई इसको मॉडिफाई करेंगे और उसमें ब्राह्मो को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे एंड अल्टीमेटली रिसेंटली पहली बार वर्ल्ड में ब्राह्मोज जैसी इतनी भारी मिजाइल ब्राह्मोज हल्की मिजाइल नहीं है तो इतनी भारी मिजाइल को पहली बार किसी फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाया गया ऑल राइट ऑल्सो ऑल वेदर ब्राह्मोज गिव्स द सुखोई अ कॉम्बार्ड रेडियस ऑफ ऑलमोस्ट 1500 हंड्रेड किलोमीटर्स विदाउट मिड एयर रिफ्यूलिंग अगर हम ब्रह्मोज को सुखोई में लगाते हैं तो उससे बिना मिड एयर रिफ्यूलिंग करे ट रेडियस जो है सुखोई का वो पंद्रह सो किलोमीटर का रह जाता है ब्राह्मो है इट इज वन ऑफ दस्ट वेपन दैट हैज बीन सो फार डिप्लॉयड ऑन योर सू थर्टी एमके आई फाइटर एयरक्राफ्ट ठीक है विदेट ऑफ टू पॉइंट फाइव टन तो इतना हैवी जो है मिजाइल सू थर्टी के ऊपर लगाया गया है इंडिया वर्ल्ड में पहली बार किसी फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ हुआ है। नेक्स्ट वॉज इन न्यूज़ पिनाका सो वॉट इज दिस पिनाका पिनाका अगेन ये एक इंडिजिनियस प्रोडक्ट है इट इज़ बेसिकली अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको रिपब्लिक डे में भी हाईलाइट किया गया था तो एम बी आर एल सिस्टम इसको डेवलप किया है आपकी इंडिजिनियस ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डी ने इंडियन आर्मी के लिए इट्स वेपन सिस्टम हैज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस किट बोस्टर्ड बाय एन एडवांस नेविगेशन एंड कंट्रोल सिस्टम तो आप टारगेट करके अपने जो है जो भी आपके टारगेट्स हैं जो भी आपके एनिमी पोजिशंस हैं उनको आप टारगेट कर सकते हो और इसमें बहुत एक अच्छा हाई टेक्नोलॉजिकल नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम लगा है जो बहुत ही प्रेसिजन के साथ उस टारगेट को हिट करेगा एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड इफेक्टिव सिस्टम्स दैट इंडियन आर्मी इज करंटली हैविंग उसके बाद अगर हम बात करें ये पिनाका कैसे बींग में आया तो पिनाका इज बेसिकली नेम्ड आफ्टर द बाउ ऑफ लॉर्ड शिवा ठीक है जो शिवजी का बहु होता है उसके नाम पर इसको नेम किया गया है और पहली बार इसका आइडिया इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रिक्वायरमेंट्स के लिए एंड अल्टीमेटली जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने अप्रूव किए ऐसे प्रोजेक्ट्स को इन 1986 उस समय पे इसका बजट सिर्फ करोड़ का हुआ करता था ये आपसे कोई सवाल में पूछने वाला है नहीं जस्ट फॉर गिविंग अ बैकग्राउंड ओके आफ्टर इट प्रूव्ड इट्स कॉम्बैट कैपेबिलिटीज इन 1999 अ डेडिकेटेड पिनाका एमबीआर रेजिमेंट वाज रेस्ट एक प्रॉपर रेजिमेंट

पिनाका लॉन्चर कैन वर्क इंडिपेंडेंटली अब ऐसा नहीं है कि छे के छे एक साथ जुड़े हुए हैं तो एक साथ ही काम करेंगे इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं क्योंकि हर लॉन्चर का खुद का एक कंप्यूटर होता है ठीक है एंड ईच लॉन्चर हैज द एबिलिटी टू फायर ऑल द रॉकेट्स इन वन गो बारह के बारह रॉकेट एक लॉन्चर एक बार में फायर कर सकता है एंड डैट टू इन डिफरेंट डायरेक्शन यह भी नहीं है कि एक बार में एक ही डायरेक्शन में सारे रॉकेट जाएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में एक ही बार में बारह के बारह रॉकेट फायर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अंट्रोल कंप्यूटर द पिनाका लॉन्चर न ऑपरेट इन डिफरेंट मोड ऑटोनोम स्टैंडलून मोड है, रिमोट कंट्रोल चल, चल सकता है और मैनुअली भी चल सकता है तो स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा आपका उसके बाद वॉट इज द रेंज कितनी रेंज रहती है इसकी तो इनिशियली जब ये पिनाका सिस्टम डेवलप हुआ था उस टाइम पे इसकी रेंज 40 किलोमीटर थी लेकिन अपग्रेड करके पिनाका मार्क टू आ गया है जिसकी जो एक्सटेंडेड रेंज है वो 70 टू 80 किलोमीटर है मतलब 70 टू 80 किलोमीटर्स तक ये एनिमी को प्रिसाइजली हिट कर सकता है नेक्स्ट है आपका अस्त्रा नाउ अस्त्रा इज वॉज द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर टू एयर मिसाइल ठीक है किसी भी मिज़ाइल में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पता हो कि वो एयर टू एयर मिसाइल है या सरफेस टू एयर मिजाइल या सरफेस टू सरफेस मिजाइल है एयर टू एयर मिसाइल बेसिकली क्या होती है इट कैन बी फायर फ्रॉम एयर ओनली फ्रॉम थ्रू अ फाइटर जेट ओके तो एयर टू एयर मिजाइल है इट द मिज़ाइल वॉज रिसेंटली टेस्टेड एंड लॉन्च फ्रॉम सुखोई थर्टी एम के आई इसको भी डेवलप किया है आपकी इंडिजीनियसली डीआरडीओ देखो ये ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है ठीक है तो पिनाका को भी डीआरडीओ ने डेवलप किया है, और अस्त्रा को भी डीआरडीओ ने डेवलप किया है ये जो आपकी पर्टिकुलर मिज़ाइल है जो अस्त्रा जो मिजाइल है इट वर्कस ऑन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी ओके दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी एनेबल्स द पायलट्स टू शूट प्रिसाइजली एट एनिमी टारगेट्स विच आर बियॉन्ड देयर विजुअल रेंज ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ पायलट को दिख रहा है वो उसी से होगा ठीक है टारगेट करके नेविगेशन के थ्रू मैप के थ्रू एक पर्टिकुलर एरिया को एक पर्टिकुलर लोकेशन को जो पायलट्स हैं वो टारगेट कर सकते हैं फायर कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि उनकी विजुअल रेंज में वो टारगेट हो ऑल right. उसके बाद अगर हम स्पेसिफिकेशन देखें इस तरह की तो इसकी जो स्पीड है दैट इज फोर पॉइंट फाइव मैक ओके दैट इज फिफ्टी 555 किलोमीटर पर आर ओके सो इट इज़ अ हाइपरसोनिक मिसाइल। रेंज जो है इसकी 70 किलोमीटर की है 70 किलोमीटर्स की है पेलोड कैपेसिटी फिफ्टीन के जीज का ये वॉर हेड कैरी कर सकती है उसके अलावा इसके और क्या फीचर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटर मेजर्स और ई सी सी एम ओके दिस एनेबल्स अस्त्रा मिजाइल टू ओवरकम डिफेंसिव मेजर्स पुट फोर्थ फॉर द टारगेट बाय द एनिमी ठीक है ऐसा हो सकता है कि एनिमी के पास उसके खुद के सिस्टम्स हो, एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, तो ये उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी जो है काउंटर करके अटैक को सक्सेसफुल कर सकती है उसके अलावा जो इसका एक और डेडली फीचर है वो है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च एंड लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च ओके एल ओ बी एल एंड एल ओ ए एल नाउ वॉट इज लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च इट अलाउज द फाइटर एयरक्राफ्ट टू सेफली शूट एंड स्कॉट फ्टर लॉन्चिंग द मिजाइल टूवर्ड्स द टारगेट ओके तो सेफली शूट कर देगा उसके बाद वहां से वो निकल आराम से सकता है ठीक है इंडल्ज करके एनिमी को अस्त्रा इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन मल्टी टारगेट सिनरियो एंड डेयर फोर है मोस्ट पोर्टेंट वेपन सिस्टम ऑफ आई एफ मल्टी टारगेट एक साथ कर सकता है तो इसी वजह से भी इसको आई ए एफ का काफी स्ट्रॉन्ग वेपन माना जाता है तो ओके okay फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेप्ट ऑफ द डे इसमें हमने 29 के बारे में सीखा हमने सीखा पिनाका के बारे में और अस्त्रा के बारे में तो वो आप यहां से रिवाइज कर सकते हैं इजिली आई होप आपको मजा आया हो किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकता है या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर यू कैन ऑल्सो मेलस एट शिक्षित At the rate gmail.com. Alright, do not forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you can get regular updates. So, thank you very much. All the best and keep yourself healthy. Bye bye.